गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की सुबह हुई है छत से, देखिए इधर लोकू जी, ए देखिए इधर, और इधर चाय। तो बाबू तो स्कूल चली गई है और थोड़ा सोचे हम लोग कि थोड़ा सा टहल लिया जाए, साथ साथ में मॉर्निंग का जो चाय है वो भी थोड़ा पी लिया जाए। वेदर बहुत अच्छा है, बारिश तो नहीं हो रही है बट डेफिनेटली बादल ही बादल है चारों तरफ। तो चलिए फिर थोड़ा इन्जॉय करते हैं चाय, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद फिर आप लोगों के सामने। तो फ्रेश तो होना हो चुका है, देख ही रहे बाल वाल सब अभी गीले हैं। और वेदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है, ऐसा लग रहा है कि नवंबर और जो दिसंबर का जो फर्स्ट वीक होता है जब हल्का हल्का ठंडा लगता है, वैसा आ गया है हमारे यहाँ का वेदर। तो आप लोग गेस कर सकते हो कि मैं कहाँ का वेदर का बात कर रही हूँ। हमारे भारत में कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे वेदर इस टाइप से रहता है ऑलमोस्ट साल के छः से सात महीने। 2-3 महीने ही ऐसा है कि हार्डली बहुत ज़्यादा गर्म होता है, नहीं तो फिर उस टाइम ऑलमोस्ट 9 महीने तक हम लोगों के यहाँ एक चादर का ठंड रहता ही है। तो लोकू तो चले गए हैं ऑफिस और बाबू भी स्कूल और फ्रेश होना हो गया। देखिए मैं दिखाती हूँ बारिश, यहाँ इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, देखिए देखिए पूरा झमाझम बारिश पूरा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा देखिए बारिश पूरा हो रहा है। तो चलिए इसको, और बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि हर तरफ ऐसा लगता है कि भीगा भीगा गीला गीला टाइप से फील आता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बारिश। और पता नहीं आज जो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा कि जो बाबू का सरप्राइज़ आया था बंग बेड, तो उसका मे बी आज इंस्टॉलेशन, अभी तक तो कुछ कॉल आया नहीं है, देखते हैं हो सके थोड़ा सा थोड़े देर में या कभी आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज आएगा इंस्टॉलेशन, क्योंकि अगर आना रहता है तो वो लोग 9 से 10 बजे के टाइम तक वो लोग कॉल कर देते हैं कि आज वो विज़िट करने वाले हैं। सॉरी, तो वही देखते हैं आज नहीं आएगा। और बहुत एक्साइटेड थी, स्कूल जा रही थी तब भी बोल रही थी कि मम्मा आज उसी बेड में सोएंगे। मैं बोली रुक जाओ पहले आने तो इंस्टॉलेशन होगा तभी तो। तो चलिए फिर थोड़ा सा अपना कुछ पर्सनल टाइम निकालते हैं और थोड़ा पैकिंग शैकिंग करते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग कहीं जाने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा डेफिनेटली। तो बहुत सारा पैकिंग बाकी है, धीरे धीरे अभी से करके रखूँगी तो है कि जब टाइम आता है, जब जाने का दिन आता है तो उस समय सर पे बर्डन नहीं होता, नहीं तो क्या होता कि अगर अभी से मैं थोड़ा थोड़ा और बहुत दिनों के लिए जाना है तो थोड़ा थोड़ा पैकिंग तो नहीं करूँगी तो फिर पता चलेगा कुछ चीज़ छूट गया, तो वो चीज़ करना है। तो चलिए देखते हैं, मैं तो जाऊँगी और लोकू जी में भी यही रहे, लोकू जी तो ऑफिस है उनका, तो देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। तो मेरा तो कंफर्म है कि मैं जाऊँगी, मैं और बाबू और लोकू जी में भी यहीं पे रहेंगे, तो क्योंकि उनका ऑफिस है और वो ज़्यादा दिन लीव भी नहीं ले सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है डिसाइड, तो किया जाएगा डिसाइड, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए फिर थोड़ा कुछ कर लेते हैं अपना कुछ पर्सनल टाइम, थोड़ा पैकिंग, थोड़ा सा ये वो, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यार ये बच्चे लोग सारे डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब यार टीवी में देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं।
बच्चे लोग यहाँ खूब मन से कर रहे हैं, मन से एकदम देख देख के डांस प्रैक्टिस।